इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ओएलपी की चेकिंग, यानी ओएलपी को कैसे चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम इसमें करेंगे। देखिए हमारे पास ये होल्डर बल्ब भी है जो बल्ब जल रहा है, और ये हमारे पास ओएलपी भी है। इसको हम चेक करना सीखेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। सबसे पहले इसके बारे में बता दें कि ये प्रयोग होती है एसी में और फ्रिज में भी ये प्रयोग होती है, जो कि कंप्रेसर मोटर अगर चलते चलते आवश्यकता से अधिक गर्म होता है तो ये अपने आप उसे बंद कर देता है। जैसे कि आप जानते हैं टुल्लू पंप मोटर वगैरह में भी लगा होता है, जो ऑटो कट के नाम लोग जानते हैं, कि उसमें जब मोटर गर्म हो जाता है तो अपने आप बंद हो जाता है, और जैसे मोटर का टेम्परेचर सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, तो अपने आप चालू हो जाता है। वैसे ये एसी में प्रयोग होता है कि अगर एसी का कंप्रेसर मोटर जल जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये गर्म करने के बाद कैसे बंद हो जाता है। तो जैसे देखिए हम माचिस से इसको गर्म करके आज देखेंगे, जैसे चित्र भी हमने बनाया हुआ है, तो यहां पर थ्योरी यानी आपको समझाएंगे भी कि कैसे काम करता है और इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं उनके बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें ये हमारे पास ओएलपी का पूरा नाम होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी कि आवश्यकता से अधिक लोड पड़े या फिर अगर मोटर गर्म होता है तो अपने आप यह सप्लाई को कट कर देगा। यानी अगर आवश्यकता से अधिक लोड पड़े या मोटर ज्यादा गर्म हो तो अपने आप यह सप्लाई को कट कर देगा। तो इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं सही है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि सीरीज का दो तार लेंगे और दोनों वायरों को ओएलपी के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे। सर्वप्रथम सीरीज के दो वायर लेंगे और दोनों वायरों को ओएलपी के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे। इस अवस्था में सीरीज का बल्ब जो है वो जलना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी गर्म नहीं है, कोई हीट नहीं है, तो इस अवस्था में इसे आउट करना चाहिए। जैसे ये वाला पॉइंट है तो इसके एक पॉइंट पे एक तार को और दूसरे पॉइंट पे दूसरे तार को रखना चाहिए, और इस अवस्था में सीरीज का बल्ब जो है वो जलना चाहिए। अगर बल्ब जल रहा है तो ओएलपी को 50% सही माना जाएगा। यानी अगर इतना काम हो रहा है कि सीरीज के दोनों तारों को दोनों पॉइंटों पर रखने पे अगर सीरीज का बल्ब जल रहा है तो ओएलपी को 50% सही माना जाएगा। इसको हम आपको जला करके चेक करके दिखाते हैं, उसके बाद हम इसको गर्म करेंगे मोमबत्ती से और गर्म करके भी देखेंगे कि गर्म होने के बाद कट कैसे करता है। तो सबसे पहले हम इसके दोनों पॉइंटों पर सीरीज के तारों को रखते हैं और इसको देखते हैं कि जो सीरीज का बल्ब है हमारा वो जलता है कि नहीं जलता है। तो जैसा कि देखिए ये हमारे पास है न्यूट्रल और फेस के वायर, ये जो न्यूट्रल और फेस का तार है, ये जो हमारा बल्ब जल रहा है इसी का है ये। तो इसको हम यहाँ से देखिए अगर इसको खोल देंगे तो ये हमारा जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। देखिए डायरेक्ट इसी से इसका कनेक्शन है, यहाँ से इसको स्टार्ट करा रहे हैं, जल रहा है। तो ये सीरीज का तार सीरीज बन गया, देखिए डायरेक्ट न्यूट्रल फेस आया, तार को बीच में से खोल दिया, वही तो सीरीज बन गया ना। तो अब करना क्या है कि ओएलपी के दोनों पॉइंटों पर सीरीज के दोनों तारों को रखना है, जैसा हमने बताया था कि एक पॉइंट पर एक को और दूसरे पॉइंट पर दूसरे को रखेंगे, तो ये जो सीरीज का बल्ब है वो जलना चाहिए। तो अगर ये बल्ब जल रहा है तो इस बल्ब को, ये जो ओएलपी हमारी है, इसको हम 50% सही मानेंगे। इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि हाँ ये लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आउट कर रहा है, लेकिन ये कट करेगा कि नहीं करेगा इसको आपको चेक करना पड़ेगा अगली चेकिंग में। तो देखिए इसमें तो हमें ये कन्फर्म हो गया कि ये लाइट को आउट कर रहा है, ये कन्फर्म है कि हाँ ये सही है, ये लाइट को आउट कर रहा है। इसके बाद हमारी जो दूसरी चेकिंग है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब ओएलपी को मोमबत्ती, जैसे कि फिर से हम क्या करेंगे, सीरीज का दो तार लेंगे और सीरीज के उसी तारों को ओएलपी के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे। जब ओएलपी के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे ना, इस अवस्था में तो सीरीज का बल्ब जलेगा, लेकिन अब ओएलपी को मोमबत्ती या किसी अन्य माध्यम से इसको गर्म करेंगे, किसी भी चीज़ से गर्म कर सकते हैं। जैसा कि हम भी यहाँ पे अभी आपको गर्म करके दिखाएंगे कि इसको हम माचिस से गर्म करेंगे, लेकिन आप किसी चीज़ से गर्म कर सकते हैं। अगर आपके पास मोमबत्ती है तो उसी से भी गर्म कर सकते हैं, मतलब ये गर्म होना चाहिए। देखिए इसके अंदर वाला पॉइंट जो है ना, ये इसी को गर्म करना है, तो मोमबत्ती या किसी अन्य माध्यम से इसको गर्म करेंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे ना, तो थोड़ी देर के बाद मुश्किल से एक या दो सेकंड के ही अंदर ओएलपी से किट से आवाज आएगी और ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। जब ये बल्ब ऑफ हो जाएगा तो कुछ ही समय में, जब हम इसको छोड़े रहेंगे कुछ समय तक वेट करने का मतलब 15 से 20 सेकंड तक केवल वेट करेंगे, और जब ओएलपी का तापमान यानी टेम्परेचर सामान्य हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर से ओएलपी से किट की आवाज आएगी और ये बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा, ये बल्ब जो है वो जल जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं ओएलपी को, देखिए इसके दोनों पॉइंटों पे हम रख देते हैं।
देखिए अब ओएलपी के दोनों पॉइंटों पर हमने डायरेक्ट दो वायर रख दिए हैं और ये हमारा बल्ब जो है वो देखिए डायरेक्ट जल रहा है। तो ओएलपी के दोनों पॉइंटों पर हमने बल्ब रख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, माचिस की तिल्ली से नीचे के पॉइंट को गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे ना तो देखिए मतलब सीरीज के दोनों तारों को ओएलपी के दोनों पॉइंटों पर रखे हैं, इस अवस्था में सीरीज का बल्ब जल रहा है और ओएलपी को मोमबत्ती या किसी अन्य माध्यम से जब हम इसको गर्म करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि इस ओएलपी से किट की आवाज आएगी और ये जो बल्ब है वो बंद हो जाएगा। तो देखते हैं इसको गर्म करके। देखिए जैसा कि ओएलपी से थोड़ी सी किट से आवाज़ आई थी और ये बल्ब जो है वो ऑफ हो गया। अगर ये ऑफ हो गया तब तो ठीक है कि हाँ ऑफ हो गया, लेकिन ये ऑन होता है कि नहीं तो इसे हमें देखना पड़ेगा कि ये कुछ समय के लिए, ज़्यादा नहीं बस 10 से 15 सेकंड के अंदर ओएलपी से फिर से किट की आवाज़ आएगी और ये जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। अगर ये जल्दी से नहीं आता है तो हम इसमें फूंक करके ठंडा कर देते हैं और ये जल्दी से आवाज़ आ जाएगी और ये बल्ब ऑन हो जाएगा। और अगर ये बल्ब ऑन हो जाता है तो ओएलपी को हम 50 नहीं पूरे 100% सही मानेंगे कि हाँ ये ओएलपी सही है और हीटिंग होने पे कंट्रोल भी कर देगी और नॉर्मल होने पे टेम्परेचर के नॉर्मल होने पे फिर से ऑन भी कर देगी। इसको हम थोड़ा सा फूंक के देखते हैं। देखिए जैसा कि हम इसको जब ही ठंडा किए तो वैसे अपने आप ही ये टाइम हो चुका था, जलने वाला था, लेकिन हमने इसको फूंक करके जल्दी से इसको ऑन भी कर दिया। तो यानी इससे ये पता चला कि ठंडा होने के बाद ओएलपी जो है वो काम करेगी, कर रही है, यानी यह ओएलपी 100% सही है। तो इस तरह से आप किसी भी ओएलपी को चेक कर सकते हैं और हीटिंग को कंट्रोल करने का ये काम करती है। आप एसी या फ्रिज या कहीं पर भी इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो और भी एसी या फ्रिज से संबंधित वीडियो आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।